हेलो, स्वागत है आप लोगों का। क्या हाल चाल है? तो यहाँ आज हम शुरू करने जा रहे हैं रैप एग्ज़ाम के प्रश्नों के साथ पार्ट थ्री। ठीक है, ये रहा हमारा पहला प्रश्न। एक उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो डैश होता है क्या दोनों किस उत्पाद या सेवाओं के लिए भुगतान किया गया है या आंशिक रूप से एक विचार के लिए किसी भी सेवा को काम पर रखा है। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा। राज्य स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण मशीनरी को डैश के रूप में जाना जाता है। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग राज्य आयोग के नाम से जाना जाता है। एक बीमा लोकपाल किसी भी शिकायत को खारिज कर सकता है यदि यह पाया जाता है कि शिकायतकर्ता कौन कौन से सही है, पहला और दूसरा दोनों। पहले बीमाकर्ता को कोई शिकायत किए बिना लोकपाल से संपर्क किया गया है या लोकपाल के क्षेत्राधिकार से बाहर है। ठीक है, जो लोग सीएससी से रैप का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या देने वाले हैं तो इन प्रश्नों को ज़रूर देख लें। अगर आप रैप का एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं सीएससी से और इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहते हैं तो ये प्रश्न एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न ये रहा। एक जीवन बीमा कंपनी एक दावा प्राप्त करने पर देरी के बिना दावे की प्रक्रिया करेगी। किसी भी प्रश्न या अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता जब तक संभव हो डैश की अवधि के भीतर एक बार में सभी को उठाया जा सकता है ना कि टुकड़ों में दावे प्राप्ति के 15 दिन के अंदर। ठीक है, आप लोगों से इसी समय ट्रेवल लाइसेंस आए भी किसी भी एग्जाम एंड्रॉयड विंडोज योजना छोटे बिजनेस से संबंधित कोई प्रकार की समस्या हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आईआरडीए पॉलिसी होल्डर की सुरक्षा रुचियां विनियम 2002 में डैश के लिए बीमाकर्ताओं को मध्यस्थों के कर्तव्यों और दायित्वों को प्रदान करता है दोनों केवल पूर्व बिक्री और केवल बिक्री के बाद भी। अगला प्रश्न, प्रस्ताव फॉर्म भरते समय एक संभावना उक्त फॉर्म में डैश बनाने की सुविधा का विकल्प चुन सकती है। एक नामांकन फ्री लुक पीरियड का लाभ उठाने और रिफंड पाने के लिए पॉलिसी धारक को डैश जमा करने की आवश्यकता होती है दोनों मूल नीति दस्तावेज भी और रद्दीकरण के लिए एक आवेदन पत्र भी। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीवन बीमा पॉलिसी स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहिए। दोनों कथन सही है। भुगतान की गई नीति में नीति का रूपांतरण और पॉलिसी के तहत समर्पण मूल्य प्रावधान दोनों बताया जाना चाहिए। यदि कोई जीवन बीमाकर्ता मृत्यु दावों को स्वीकार करता है लेकिन डैश जैसे कारणों के कारण इसका भुगतान नहीं कर सकता है तो बीमा कंपनी बैंक की बचत दर पर दावा राशि पर ब्याज का भुगतान करेगी शीर्षक खोलने जैसे कारणों। अगला प्रश्न, यूरोपीय लोगों के कल्याण के लिए भारत में स्थापित पहली जीवन बीमा कंपनी को डैश के रूप में नामित किया गया था उसका नाम है ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार बीमा कंपनियों से लाभान्वित है। दोनों कथन सही है। कौन से? अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए लंबी अवधि के फंड और डेट इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा फंड क्रय के लिए उपलब्ध है। सेठ रामकृष्ण डालमिया ने रुपए वापस ले लिए कितने डैश से 2.25 करोड़ यानी 2,25,00,000 और उसी का गलत इस्तेमाल किया किसे ले लिए भारत बीमा कंपनी से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सितंबर 1956 को भारत के LIC ने डैश के साथ काम करना शुरू किया। 5 क्षेत्रीय कार्यालय 33 मंडल कार्यालय और 212 शाखाएं या 6 क्षेत्रीय कार्यालय 33 मंडल कार्यालय और 212 शाखाएं तो केवल कथन ए सही है यानी पहला वाला 5 क्षेत्रीय कार्यालय 33 मंडल कार्यालय और 212 शाखाएं 1956 में। ठीक है, LIC
के साथ काम करना शुरू किया। अगला प्रश्न, बीमाकर्ता डैश नामक शुल्क के लिए जोखिम को स्वीकार करता है, प्रीमियम जिसे किस्त के रूप में भी हम जानते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बीमा की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बहुत से लोगों के नुकसान को साझा करना, ये सबसे अच्छा वर्णन करता है बीमा की प्रक्रिया का। सार्वजनिक देयता अधिनियम 1991 डैश के लिए प्रदान करता है सभी व्यक्तियों, कंपनियों, उद्योगों द्वारा अनिवार्य बीमा कवर जो किसी भी अप्रिय घटना के खिलाफ खतरनाक पदार्थों को संभालते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही हैं। कौन से? जीवन बीमा अकाल मृत्यु के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, जीवन बीमा आरामदायक जीवन जीने के लिए बुढ़ापे में भुगतान प्रदान करता है, ये दोनों सही है। जानबूझकर गलत बयानी का मतलब डैश हो सकता है धोखा हो सकता है। अगर आप बीमा करवाने गए हैं और आपने डॉक्यूमेंट सही नहीं दिए हैं या गलत जानकारी दी है बीमा करने वाले को, तो ये जो गलत बयानी है वो धोखे की कैटेगरी यानी श्रेणी में आएगा। बीमा योग्य ब्याज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एक दूसरे पर बीमा निकालते मित्र, एक मित्र दूसरे मित्र के लिए बीमा नहीं निकाल सकता, ऐसा पॉलिसी है। यदि कोई प्रस्ताव और स्वीकृति है और बीमा के लिए राशि के लिए विचार राशि के रूप में अग्रिम में पूर्ण प्रीमियम का भुगतान किया जाता है तो समझौता डैश हो जाता है। क्या हो जाता है? वैध अनुबंध। जीवन बीमा प्रस्ताव में भौतिक तथ्य डैश हो सकते हैं, ऊपर के दोनों यानी प्रस्ताव की आयु, स्वास्थ्य की स्थिति और व्यवसाय, प्रस्तावक की आय, आयु यानी उम्र, आय यानी कि इनकम। जीवन बीमा व्यवसाय में डैश शामिल है उपरोक्त सभी तीन यानी टर्म इंश्योरेंस, संपूर्ण बीमा, वार्षिकियां। दुर्घटना के कारण दूसरों के लिए हवाई जहाज और एयरलाइंस की देयता बीमा के अंतर्गत आती है, विमानन बीमा। पर्सनल लाइन इंश्योरेंस का मतलब उन सभी नीतियों से है जिन्हें किसी व्यक्ति द्वारा अपने नाम से लिया जा सकता है और इसमें डैश शामिल है। ऊपर में से कोई जीवन बीमा नीतियां भी शामिल हैं, स्वास्थ्य बीमा नीतियां भी शामिल हैं, दुर्घटना बीमा नीतियां भी शामिल हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब सबको करें, ठीक है, धन्यवाद।